कुलसुम सलीम, और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें जो पहला जो पॉइंट आता है वो फ्लैजिला है। इसके अंदर फ्लैजिला मौजूद होता है, पिलाए होता है मौजूद, कैप्सूल होता है, सेल वॉल 5 है, सेल मेम्ब्रेन 6, साइटोप्लाज्म और 7 मिजोजोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम न्यूक्लियाइड भी कह सकते हैं, प्लाज्मिड मौजूद होता है। अब इसको यहाँ इसको स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि ना ये जो फ्लैजिला टाइप आपको यहाँ पे मेंशन हुए हुए हैं सारे, इसको हम डिटेल में थोड़ा यहाँ पे पढ़ते हैं पहले, फिर इसे डायग्राम में देखेंगे। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला इज़ द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसके थ्रू वो जो है मूवमेंट करता है बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया फ्लैजिला के ज़रिए मूवमेंट करता है, जिसे हम टैक्सिस भी कहते हैं, मूवमेंट को टैक्सिस कहते हैं। अब ये जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव भी होती है, वो नेगेटिव भी मूवमेंट होती है। जब किसी स्ट्यूमुलस होता है, कुछ भी स्ट्यूमुलस हो सकता है, जैसे कोई केमिकल की तरफ या अपने होस्ट की तरफ वो जाएगा बैक्टीरिया, तो वो कहलाएगी पॉजिटिव मूवमेंट। जब उससे दूर जाएगा, अपने होस्ट से बैक्टीरिया जब दूर जाएगा, तो वो मूवमेंट कहलाएगी नेगेटिव मूवमेंट, या फिर नेगेटिव टैक्सिस, या जो मूवमेंट है वो टैक्सिस कहलाती है। ठीक है, दिस आर थ्रेट लाइक स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम द आउटर सर्फेस ऑफ बैक्टीरिया। ये थ्रेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आउटर सर्फेस पर मौजूद होता है। ये फ्लैजिला जो होता है, ये बैसिलाए और स्पाइरलाए बैक्टीरिया में पाया जाता है। पिलाए देख लेते हैं, दीज आर होलो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दियर बॉडी। जो पिलाए है वो थोड़ा है ना जो होलो टाइप स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये लोकोमोशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। पिलाए जो है लोकोमोशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो इन्वॉल्व होता है वो कॉन्जुगेशन प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व होता है, जो कि एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। कॉन्जुगेशन एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें पिलाए इन्वॉल्व होता है। कैप्स्यूल अगर हम इसका देखें तो इट इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट अराउंड द सेल वॉल, यानी कि ये सेल वॉल होती है, सेल वॉल के जो ऊपर एक कवरिंग होती है वो कैप्स्यूल की होती है। ये जेलेटिनस सब्सटेंस से बना हुआ होता है, ये जो बैक्टीरिया को इस काबिल बनाता है कि वो अपने किसी भी होस्ट या किसी भी जो एक चीज़ से अटैच हो सके, या फिर अपनी अपनी कॉलोनी में एक दूसरे के साथ अटैच हो सके सके इसकी कैपेसिटी बढ़ाता है, ये पैथोजेनिक कैपेसिटी बढ़ाता है ये कैप्स्यूल, ठीक है। इसको एक दूसरे एक एक किसी के साथ चिपकने में ये इसको हेल्प करता है, ये जो कैप्स्यूल है बैक्टीरिया को हेल्प करेगा किसी चीज़ से चिपकने में। ये बना हुआ होता है, कैप्स्यूल बना हुआ होता है पॉलीसैकेराइड से। ये किसी किसी बैक्टीरिया में ये कैप्सूल पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन सम बैक्टीरिया, यानी किसी किसी बैक्टीरिया में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। अगर इसकी सेल वॉल देखें तो ये इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ सेल, ये सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर के जो पार्ट है उसको प्रोटेक्ट देती है सेल वॉल, एंड आल्सो प्रोवाइड द डेफिनेट शेप टू बैक्टीरिया सेल, और एक डेफिनेट शेप देगी बैक्टीरिया को सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो बनी हुई होती है वो शुगर, अमाइनो एसिड और काइटिन की बनी हुई होती है। बैक्टीरिया के सेल वॉल में सेलुलर एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया के सेल वॉल में एक कंपाउंड मौजूद होता है जिसे पेप्टाइडोग्लाइकेन कहा जाता है। पेप्टाइडो की मीनिंग पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं उससे, पेप्टाइड मीन्स जैसे अमाइनो एसिड, जैसे अमाइनो एसिड होता है ना उसको हम पेप्टाइड कहेंगे। ग्लाइकोजन में क्या आ जाएगा? शुगर आ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा और ग्लूकोस आ जाएगा, ये इसका कंपाउंड है, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो कंपाउंड कहलाता है उसे पेप्टाइडो ग्लाइकेन कहते हैं। अच्छा, यही इसी पेप्टाइडो ग्लाइकेन की ही बुनियाद पे बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और जो दूसरा है वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिस बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिक लेयर हो वो कहलाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरा वो बैक्टीरिया जिसके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिन हो तो वो कहलाएगा नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है।
अच्छा ये समझ में आ गया, पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन कहलाता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। अच्छा ये जो कंपाउंड है यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को स्ट्रेंथ, उसकी सेल को देता है स्ट्रेंथ और उसकी शेप को मेंटेन रखने में मदद फराहम करता है ये कंपाउंड यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन। इट आल्सो प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक्स एंड केमिकल सब्सटेंस, यानी ये जो है उस बैक्टीरिया सेल को बचाता भी है एंटीबायोटिक्स से और जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उससे भी प्रोटेक्ट करता है ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और तमाम केमिकल्स से बचाता है बैक्टीरिया को। सेल मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया की होती है, ठीक है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये ऑन द इनर साइड ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल के अंदर की तरफ जो होएगी और अंदर की तरफ होएगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल के अंदर की तरफ होएगी सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को के अराउंड होएगी, यानी अराउंड द साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म होगा ना तो उसको कवर की भी होएगी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को कवर की भी होएगी, ठीक है। इट इज सेमी परमेबल, यानी सेमी परमेबल होती है वो, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करती है सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, यानी जो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है वो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है। साइटोप्लाज्म जो है सब्सटेंस होता है बैक्टीरिया सेल का, जिसे द इनर सब्सटेंस होता है बैक्टीरिया का जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंटेन ग्रेन्यूल्स ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट्स, प्रोटीन एंड रिजर्व फूड, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लाइकोजन भी मौजूद होगा, फैट्स भी मौजूद होंगे, प्रोटीन भी मौजूद होंगे और रिजर्व, ये सब रिजर्व फूड ही कहलाएगा। इट डज नॉट हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइकोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स इसमें मौजूद नहीं होंगे, बट इट कंटेन राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सेंथेसिस। अच्छा इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होगा जो कि प्रोटीन को उस प्रोटीन की सेंथेसिस करेगा, ठीक है, यानी प्रोटीन बनाएगा। राइबोसोम मौजूद होगा लेकिन न्यूक्लियर के अंदर मौजूद नहीं होगा, राइबोसोम ऐसे ही पड़ा हुआ होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। मिजोसोम आ जाता है, तो ये जो है इट इज़ फोल्डेड स्ट्रक्चर, यानी फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है जो अंदर के साइड पे होती है सेल मेम्ब्रेन के, अराइज फ्रॉम द इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन से कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको हम मिजोसोम कहते हैं। इसके फंक्शन ये होते हैं कि ये एंजाइम सीक्रेशंस में हेल्प करेगी, ठीक है, सेल डिवीजन में इसका फंक्शन परफॉर्म होगा, डीएनए रिप्लिकेशन में इसका फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, रिस्पायरेशंस में ये हेल्प करेगी मिजोसोम, ठीक है। न्यूक्लियर मटीरियल आ जाता है, तो न्यूक्लियर मटेरियल इन बैक्टीरिया सेल देयर इज़ नो प्रॉपर और कंप्लीट न्यूक्लियर, यानी बैक्टीरिया सेल के अंदर कंप्लीट न्यूक्लियर मौजूद नहीं होता, यही वजह है कि ये प्रोकैरियोटिक कंसिडर किया जाता है। इट कंटेन न्यूक्लियर मटेरियल कार्ड न्यूक्लियोइड, यानी कि जब इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो कंप्लीट न्यूक्लियर नहीं होगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड जो है वो इररेगुलर शेप में डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती मौजूद, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस मौजूद नहीं होता। इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रोमेटिंग बॉडी और बैक्टेरियल क्रोमोसोम, और इसे हम क्रोमेटिन बॉडी भी कहते हैं और बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। इट कंटेन न्यूमरस जीन्स, इनमें बहुत ज़्यादा जीन्स मौजूद होते हैं, यानी जो इसमें न्यूक्लियर मटेरियल होगा उसमें बहुत ज़्यादा जीन्स मौजूद होंगे। द क्रोमोसोम है सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल, यानी जो स्टैंड होगी उसकी जो ना जो डबल डबल होगी, यानी आपने देखा है कि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसी तरह से जो डीएनए होता है वो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ बैक्टेरिया सेल, यानी जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो तमाम फंक्शन बैक्टीरिया सेल के परफॉर्म करेगा, ठीक है। लास्ट में आ जाता है प्लास्मिड, इट इज़ अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, डबल स्ट्रैंडेड
डीएनए यानी डीएनए का भी डीएनए की तरह ही एक अलग से ये जो है पार्ट होता है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। इसका इसका मकसद होता है रिप्लिकेशन, और ये खुद ही रिप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये न्यूक्लियर मटेरियल से अलग चीज़ है, ये अलग से है एक फ्रेगमेंट यानी एक पार्ट छोटा सा जेनेटिक मटेरियल का, सही है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये अपने आप को खुद रिप्लिकेट कर सकता है। ये इट डज़ नॉट टेक पार्ट इन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म में और ग्रोथ में पार्ट नहीं लेता प्लाज्मिड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।